फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल कर्ल मी क्रेजी में। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम ऐसी बहुमूल्य बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर आपको कहीं भी जैसे कि लिखा हुआ नहीं मिलेगा या फिर आपको जैसे कि कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देगा। लेकिन आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो सभी वीडियो से अलग है। इसके अंदर हम यह बताएंगे कि 1000 दिनों का क्या महत्व होता है। 1000 दिन क्या होते हैं, ये 1000 दिन इसके बारे में मैं आज आपको खुलकर बताऊंगी। यानी कि इसके अंदर हमारे जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है और उसके साथ हमारा जैसे कि जो आफ्टर डिलीवरी जो हमारा बच्चा हो जाता है तो उसके 2 साल को कैलकुलेट करके हमारे 1000 दिन हैं जो कि वो बनते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के जो 270 दिन होते हैं और हमारे बच्चे के 2 साल के यानी 730 दिन जो होते हैं उनको मिलाकर 1000 दिन बनते हैं। और ये 1000 दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और इसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये जो 1000 दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा जैसे कि जो बच्चा होता है वो एक बिंदु से फॉर्म होकर बनता है और उसके बाद जैसे कि डिलीवरी होती है हमारी, उस टाइम पर हमारा जो बेबी होता है उसका जो वेट होता है वो 2.5 से जैसे कि 3.5 किलो तक का होता है और यह एक नॉर्मल होता है। उसके बाद जैसे कि ग्रो करता है बच्चा 2 साल तक तो उसका जो वज़न होता है वो 12 किलो तक वेन कर लेता है। और इन जो जैसे कि जो 2 साल होते हैं इस टाइम तक हमारा जो बेबी होता है उसका जो ब्रेन होता है वो 80% डेवलपमेंट हो जाता है। तो हमें जैसे कि जो ये 270 और प्लस जो 700 दिन होते हैं यानी कि 1000 जो दिन होते हैं ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसमें हमारे बच्चे का फिज़िकली और मेंटली डेवलपमेंट होता है। तो हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए जिससे हमारे बेबी का फिज़िकली और मेंटली विकास है जो कि वो अच्छे से हो सके, ताकि उनको जीवन भर इसका है जो कि वो फ़ायदा मिलता रहे। ये जो 1000 के दिन होते हैं इनको आप एक जैसे कि नींव समझकर भी चल सकते हैं। जैसे कि हमारे अगर घर की नींव अच्छी होगी तो हमारा जो घर होगा वो सुरक्षित होगा। उसी प्रकार अगर आपकी जैसे कि जो नींव अच्छी होगी, अगर हम इन 1000 दिन में अपने बच्चे की केयर फिजिकली और मेंटली तरीके से अच्छे से करेंगे, यानी कि उसकी जो नींव है वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो वो आगे बढ़कर जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और साथ ही उसकी फिजिकली और मेंटली तरीके से डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो फ्रेंड, इसके जैसे कि जो ये दिन होते हैं इसके अंदर हमारे जैसे कि जो बच्चा होता है उसके माता पिता और फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो नींव बनती है वो जैसे कि अगर हम सभी फैमिली मेम्बर मिलकर सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो बच्चा होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो ब्रेन की हो गई चाहे उसकी बॉडी की होगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये जो 1000 दिन होते हैं इसके अंदर जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल माँ का होता है। जब जैसे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो ये दिन तभी से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी टाइम से ही जैसे माँ को अपनी अच्छी डाइट है जो कि वो लेनी चाहिए, क्योंकि जो बेबी को जो न्यूट्रिशन मिलता है चाहे प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है और वहाँ से जैसे कि ब्लड फ्लो हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी के सभी माँ से मिलते हैं। तो इसलिए जो माँ होती है उसको अपनी डाइट में पौष्टिक आहार है जो कि वो लेना चाहिए, और आफ्टर डिलीवरी यानी कि जो 6 मंथ होते हैं उसमें अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमें जैसे कि ना तो कहीं मार्केट वाली चीज़ों से मिल सकते हैं या फिर आप जैसे कि बाहर की कुछ भी खा लो वो पोषक तत्व उनकी कमी पूरी नहीं कर पा सकते। तो इसलिए जितना हो सके आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और आफ्टर जो 6 मंथ होते हैं उसके बाद बच्चे को जैसे कि घर का बना हुआ गाढ़ा खाना खिलाए जिससे कि बेबी का जो वज़न है वो भी अच्छा मतलब गेन करे और बच्चे का जो मेंटली और फिज़िकली जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी हो। और जैसे कि जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रेगनेंट लेडीज़ को अपना जो HB होता है वो 9 ग्राम से ज़्यादा रखना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है उस तक भरपूर मात्रा में ब्लड फ्लो और जो ऑक्सीजन है भरपूर मात्रा में जाती है। और अगर आपके लिए जैसे कि 9 ग्राम से कम होगा तो इससे आपको और आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। और क्या होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आप जैसे कि घबराहट होना, स्ट्रेस होना या घर पर झगड़े होना, ये एक आम सी समस्या होती है, लेकिन इन सभी नेगेटिव चीज़ों का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे कि जब कोई भी स्ट्रेस आप लोगे तो इससे आपका जैसे कि ब्रेन होगा उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इससे क्या होगा, आपके जो बच्चा होने वाला होता है उसका भी जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पर इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, और हो सके अपने आप को हैप्पी रखिए ताकि आपका बच्चा भी हैप्पी रहे। हो सके तो जैसे कि जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको भी अपने जैसे कि घर का जो माहौल होता है वो खुशनुमा बनाना चाहिए, क्योंकि जो खुशी होती है वो माँ और बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक होता है, जिससे बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे कि काफ़ी लेडीज़ को यह नहीं पता होता है कि हमारा जो बच्चा होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही जैसे कि सुनना, समझना और हंसना, ये सभी के जो एक्टिविटी होती है उन सभी को महसूस करना या समझने लग जाता है। और जैसे ही आफ्टर डिलीवरी होती है तो हमें इन सभी चीज़ों को जैसे कि और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे की एक्टिविटी और भी ज़्यादा हो इन सभी चीज़ों में। और अपने बच्चे के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि खेलना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, और ताकि आपके बच्चे को है जो कि अच्छे से विकास हो सके। अगर आप इन चीज़ों से जैसे कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, नहीं खेलोगे, तो इससे जो नुकसान होता है वो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा होता है। और आप जैसे कि जाने अनजाने में या आप अपने काम की वजह से है जो कि अपने बच्चे की तरफ है जो कि ध्यान नहीं दे पाते, और इसका जो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव असर है जो कि वो आपके बच्चे पर पड़ता है। और प्रेगनेंसी में आप जैसे कि स्टार्टिंग से ही अगर आप अपने बच्चे के साथ जैसे कि टाइम स्पेंड करोगे, अपनी टमी को सहलाओगे, बातें करोगे, तो आफ्टर डिलीवरी भी आपको ये सभी जैसे कि चीज़ें करनी चाहिए। इससे आपके जो होने वाला बच्चा होता है उसका जो विकास होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, और जितनी आप कोशिश करोगे आपको जो रिज़ल्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और बच्चे के जो ब्रेन के विकास के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि आपको उसके साथ खेलना चाहिए, उसको जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, और जैसे कि जो भी बच्चे को ज़रूरत होती है जैसे कि खाने की, पीने की, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि घूमने की हो गया, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता तो वो इशारों से ही हमें सभी बातें हैं जो कि वो समझाता है, तो हमें उन बातों को जैसे कि समझने की कोशिश करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे कि स्टार्टिंग में आप वो चीज़ें नहीं समझ पा सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको वो सभी चीज़ें हैं जो कि समझनी आ जाएंगी, और इस तरीके से आप अपने बच्चे के साथ है जो कि वो बॉन्डिंग अच्छे से बना लोगे, और उसके बाद उसके साथ जैसे कि अगर वो कुछ भी कहना चाहता है तो आप आसानी से है जो कि वो समझ जाओगे। और जब आप उसके साथ जैसे कि एक्टिविटियाँ करोगे तो उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, साथ ही साथ उसका जैसे कि जो फिज़िकली डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। और कुछ ऐसे मैं जैसे कि मूल मंत्र आपको बताना चाहती हूँ जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को और भी ज़्यादा तंदुरुस्त कर सकते हैं, चुस्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने बच्चे के साथ खेलना चाहिए, उसको ढेर सारा प्यार है जो कि वो करना चाहिए, और जितनी हो सके अपने बच्चे की केयर करनी चाहिए, चाहे वो उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उन सभी को पूरा करना चाहिए। और जितना भी आप अपने बच्चे के साथ जैसे कि टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि जो माँ होती है उसका जो ढेर सारा प्यार होता है वो बच्चे के लिए एक मेडिसिन से भी ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए आप अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार कीजिए और उनसे बातें कीजिए, और वो भी आपको जैसे कि रिस्पॉन्स ज़रूर देता है, आपको बस थोड़ा सा समझने की है जो कि ज़रूरत होती है। और जो माँ होती है उसका जैसे कि अपने बच्चे के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो इन्हीं 1000 दिनों में होता है, और इस टाइम पर अगर जैसे कि हम उसका पूरी अच्छे से केयर करते हैं तो इससे हमारे जो होने
वाला बेबी है होता है उसकी फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे हमारा जो बेबी होता है उसकी जैसे कि इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्मार्ट होता है और जैसे कि फिजिकली तरीके से भी वो स्ट्रॉन्ग बनता है और इस तरीके से वो अपने आने वाली ज़िंदगी में हर एक चीज़ में है जो कि वो कामयाबी पाएगा। अगर आप खुश होंगे तो आने वाला आपका बच्चा भी खुश होगा। सो फ्रेंड, ये था 1000 दिनों का महत्व। अगर आप इन 1000 दिनों में अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखते हैं तो इससे आपके बच्चे को फिजिकली और मेंटली तरीके से डेवलपमेंट है जो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपके बच्चे की जो नींव होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसमें आगे जैसे कि आने वाले समय में आपके बच्चे को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।